हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी जेई एंड एनटीपीसी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये आपकी एमसीक्यू की दूसरी क्लास है, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हैं इस क्लास के अंदर, जो कि आपके आरआरबी जेई एंड एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओली बोर्ड की मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, गो बैक टू वेदास, दिस स्लोगन गिवन बाय, यह नारा किसने दिया? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रामकृष्ण, परमहंस, स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिट्स बिल का परिचय किसने कराया था? हु इंट्रोड्यूस्ड द पिट्स बिल इन इंडिया? ऑप्शन वन क्लाइव, ऑप्शन टू हेस्टिंग्स, ऑप्शन थ्री विलेसले, ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में पिट्स बिल का परिचय करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई? फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया कब शुरू हुई थी? चार ऑप्शन है, 1851, 1875, 1884 या फिर 1900। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1851 के अंदर। तो 1851 में भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द में से लिया गया था, किसमें से लिया गया था सत्यमेव जयते शब्द? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था? इट वॉज टेकन फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। तो जो मुंडकोपनिषद है उससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विशेषता के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था, किसके शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णववाद या फिर ऑप्शन डी तंत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म है वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बौद्धों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? तो कौन सी पुस्तक है? ए उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी जताकाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए द गवर्नर राज्यपाल, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए द गवर्नर राज्यपाल। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? जो किसी भी राज्य का जो उच्चतम कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल, प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑप्शन बी सेक्रेटरी जनरल लॉ डिपार्टमेंट, महासचिव विधि विभाग,
ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, वो राज्य का उच्चतम कानूनी अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश अवधि के लिए प्रभावी होगा। तो जो राज्य विधानमंडल है उसकी मंजूरी के बिना अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है तो कितनी अवधि के लिए प्रभावी माना जाता है। एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए 6 मंथ 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 6 वीक 6 हफ्ते के लिए, 1 ईयर 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 1 मंथ 1 महीने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन बी 6 हफ्ते के लिए यानी 6 वीक्स के लिए यह अध्यादेश प्रभावी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग नगर निगम चुनावों को अनुच्छेद के तहत नियंत्रण और आयोजित और पर्यवेक्षण करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, ऑप्शन ए आर्टिकल 241, ऑप्शन बी आर्टिकल 241(2), ऑप्शन सी आर्टिकल 243(k), ऑप्शन डी आर्टिकल 245(d). तो राइट आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243(k), जो अनुच्छेद 243(k) है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, ए कास्टिंग वोट निर्णायक मत, ऑप्शन बी साउंड वोट ध्वनि मत, ऑप्शन सी डायरेक्ट वोट प्रत्यक्ष मत, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट वोट अप्रत्यक्ष मत। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कास्टिंग वोट निर्णायक मत। जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, तो जो उसका जो मत होता है उससे उसका निर्णय होता है इसलिए इसको निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट हमेशा पहले में प्रस्तुत किया जाता है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, तो जो केंद्रीय बजट होता है सबसे पहले कौन से हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, ऑप्शन ए द लोकसभा, ऑप्शन बी द राज्यसभा, ऑप्शन सी जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी द स्टेट असेंबलीज राज्य विधानसभा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए द लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर सबसे पहले केंद्रीय बजट प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह किस वर्ष तक बरकरार रहेगा, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट। तो आपको बताना है कौन से वर्ष तक ये बरकरार रहने वाला है, ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2031। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 2026। तो जो लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई चानू रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट इन इंडिया, मीराबाई चानू को भारत में किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है, ऑप्शन ए वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी बॉक्सिंग मुक्केबाजी, ऑप्शन डी चेस शतरंज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, देखिए जो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेटलिफ्टिंग। तो भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला जो कि भारोत्तोलन के लिए मिला था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, कौन सा देश सोने का प्रमुख उत्पादक है, तो आपको बताना है सोने का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चाइना,
ऑप्शन सी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो कौन सा होगा सही इसका? देखिए जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना है वो देश, सोने का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर वेन देयर प्राइस राइजेज आर कॉल्ड, वह वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने के बाद लोग अधिक उपयोग करता है उन्हें कहा जाता है। मतलब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका, जिनकी अगर कीमत बढ़ा दी जाए तो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर भी कीमत बढ़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी उनको उसी तरह से यूज़ करते हैं, उनका ज़्यादा उपभोग करते हैं, तो उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं एसेंशियल गुड्स आवश्यक वस्तुएं, ऑप्शन बी कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन सी इन्फीरियर गुड्स निम्न स्तरीय वस्तुएं, या फिर ऑप्शन डी गिफिन गुड्स गिफिन वस्तुएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गिफिन गुड्स गिफिन वस्तुएं। तो जो वस्तु ऐसी जो वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ा दी जाए और फिर भी लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करते हैं तो उन वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय मिर्च को दुनिया में सबसे गर्म माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन चिल्ली इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड? तो ऐसी कौन सी मिर्च है भारत की जिसको दुनिया में सबसे गर्म माना जाता है, मतलब सबसे तीखी होती है वो, कौन सी है? ऑप्शन ए भूत चोलकिया, ऑप्शन बी भूत महाबोरा, ऑप्शन सी लाल चिटिन, ऑप्शन डी लाल सामक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भूत जोलोकिया। तो भूत जोलोकिया मिर्च है उसको दुनिया में सबसे गर्म माना जाता है, सबसे तीखी माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन ए जोहान्स गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी आर्थर पिटनी, ऑप्शन सी फ्रिट्ज परफ्यूमिरर, ऑप्शन डी स्टीफन पेरी। तो कौन सा सही होगा आंसर इसका? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जोहान्स गुटेनबर्ग। तो जोहान्स गुटेनबर्ग है उसने पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द अर्लीस्ट रिटर्न वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य का सबसे पहला लिखित कार्य है। तो भारतीय साहित्य का सबसे पहला लिखित कार्य कौन सा है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी वेदाज वेद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी गीता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेदाज। तो जो वेद हैं वो भारतीय साहित्य का सबसे पहला लिखित कार्य है, तो वेद जो है आपके इनको भारतीय साहित्य का सबसे पहला लिखित कार्य माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? आपको बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को सबसे पहले किसको दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए डॉक्टर के वी पुटप्पा, ऑप्शन बी जी शंकरा कुरूप, ऑप्शन सी ठाकाजी शिवशंकरा पिल्लई, ऑप्शन डी एम टी वासुदेवन नायर। तो इन चारों में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता माना जाता है, कौन है इनमें से पहला प्राप्तकर्ता ये आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी दिया गया है जी शंकर कुरू, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कौन से साल में दिया गया था इनको? 1965 के अंदर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो पोइम की कलेक्शन थी एक, जो कि मलयालम में थी, मलयालम लैंग्वेज में, उसके लिए 1965 में इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपी। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपया के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है? तो जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसका भारतीय रुपये के संदर्भ में है ना उच्चतम मूल्य है, मतलब रुपये में सबसे ज़्यादा उसकी कीमत है, कौन सा है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी कुवैती दिनार। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुवैती दिनार। देखिए जो कुवैती दिनार है वो वर्ल्ड की सबसे महंगी मुद्रा है। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे महंगी मुद्रा मानी जाती है कुवैती दिनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटी ऑफ फोर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ फोर जंक्शन। कौन सा ऐसा शहर है भारत का जिसको सिटी ऑफ फोर जंक्शन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए मथुरा, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी बिजनौर। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मदुरई। जो मदुरई है वो इसका करेक्ट आंसर है और मदुरई को सिटी ऑफ फोर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो परमाणु ऊर्जा आयोग है भारत का उसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए डॉक्टर एच जे भाभा, डॉक्टर एच जे भाभा, डॉक्टर सी वी रमन, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट? परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर एच जे भाभा, डॉक्टर होमी जागीर भाभा इनका पूरा नाम था, होमी जागीर भाभा। ठीक है, तो डॉक्टर होमी जागीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर बिलोंग्स टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए आपको ए तबला, बी सितार, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी गिटार। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखिए जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी सितार। तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक कॉस्मोस इज, पुस्तक कॉस्मोस के लेखक कौन है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए कार्ल सेगन, ऑप्शन बी इसाक असिमोव, ऑप्शन सी आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन डी माइकल क्रिश्चियन। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए कार्ल सेगन। तो कार्ल सेगन इस कॉस्मोस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक का नाम है कार्ल सेगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1530 में मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बना? मुगल एम्परर बाबर डाइड इन 1530 एंड वाज सब्सीडेड बाय। तो जो 1530 में मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी बना था वो था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बन गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए मोल, बी कैंडेला, सी केल्विन या फिर डी मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोल। तो एक पदार्थ की मात्रा की जो मूल इकाई है वो होती है मोल, ठीक है, मोल होती है इसकी पदार्थ की मात्रा की यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड द फायर बर्न्स ब्लू हिस्ट्री ऑफ वीमेंस क्रिकेट इन इंडिया। द फायर बर्न्स ब्लू हिस्ट्री ऑफ वुमेंस क्रिकेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विक्रम सेठ, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी सिद्धांता पाठक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, तो आपको बताना था फायर बर्न्स ब्लू हिस्ट्री ऑफ ए वुमेंस क्रिकेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सिद्धांता पाठक। तो सिद्धांता पाठक है वो इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त है उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडियम गुजावा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, सीडियम गुआजावा का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है कि जो सीडियम गुआजावा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी तुलसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गवावा अमरूद। तो जो सीडियम गुआजावा ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMKSY, तो जो PMKSY है उसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सफल योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन सी प्रगति मंत्रा कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसकी जो फुल शॉर्ट फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, PMKSY, और इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इफ पास्ट लीड्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर निम्न में से कोई प्रस्ताव पारित किया गया है तो सरकार की हार की ओर ले जाता है, मतलब अगर इनमें से कोई भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये समझा जाता है कि सरकार की हार हो चुकी है, सरकार को हारा हुआ माना जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सेंसर मोशन, ऑप्शन टू कट मोशन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओनली टू केवल दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर टू है इसके अंदर कट मोशन, दो नंबर आपको दिया गया कट मोशन, अगर ये पास हो जाता है तो क्या होता है कि सरकार को हारा हुआ माना जाता है, सरकार की हार समझी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए डेजर्ट रेगिस्तान, ऑप्शन बी ओशियन महासागर, ऑप्शन सी माउंटेन पर्वत, या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट वन। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का,
देखिए, जो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, ओशियन महासागर। तो जो महासागर होता है वो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम उसको कहा जाता है। तो आपका जो ओशियन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी कहाँ और कब स्थापित हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका 1913, ऑप्शन बी इंग्लैंड 1917, ऑप्शन सी डेनमार्क 1921, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड 1925। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका ये आपको बताना है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अमेरिका 1913। देखिए, जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी अमेरिका के अंदर, और कब हुई थी 1913 में, तो यूएसए के अंदर हुई थी 1913 के अंदर। ये ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी बदाउनी, ऑप्शन डी अहमद यादागर। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो आपका वीडियो था MCQ 2 का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे अब उनमें हम टॉपिक लेके आने वाले हैं आपके लिए, जिनमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, जियोग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के जितना भी पोर्शन है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर लेके आएंगे। और हर टॉपिक के बाद आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि उस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और आपकी जो RRB JEE एंड NTPC की एग्ज़ाम उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में।